शिव योग। शिव योग यानी योग की वो पुरातन विद्या जो हमें ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा के तार से जुड़ना सिखाता है। जो हमें सिखाता है कि कैसे इस ऊर्जा से हम अपनी प्राण शक्ति को जागृत कर स्वयं के और दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं, तनाव और रोगों को दूर भगा सकते हैं। योग के अंतिम तीन अंग ध्यान, धारणा और समाधि बनते हैं इसके आधार। इसी अद्भुत योग के प्रचार प्रसार में लगे हैं अवधूत बाबा शिवानंद। गुरु परंपरा से मिली इस विद्या में नए प्रयोग कर उन्होंने इसे और समृद्ध बनाया है। बचपन में ही मेरे को मेरे गुरु के दर्शन हुए जब मैं 8 बरस का था। बहुत ही सिद्ध हिमालय के वो योगी थे, 108 स्वामी जगन्नाथ जी, और जैसे ही उन्होंने दीक्षा दी उसी समय उनके तप के प्रभाव से मुझे अनुभव होने शुरू हो गए। ध्यान में, समाधि में जो मंत्र उन्होंने मुझे दिया था वो ऐसे चलने लगा जैसे स्वतः ही चल रहा हूँ। मैं अगर रोकने की भी चेष्टा करूँ तो वो मंत्र रुकता नहीं था। सारा परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान ये हमारे भीतर ही है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना का स्तर है, वो जागृत हो जाता है, कुंडलनी जागृत हो जाती है। और वो कॉन्शियसनेस जब ऊपर उठती है तब जो है सारा ज्ञान और सारी शक्तियाँ सामने उभर के आती हैं। साधना, समाधि, हीलिंग और भाग्य उन्नति, भाग्य बदलना, ये हमारे पुराणों में भी इस चीज़ को बताया गया है, लेकिन इसका ज्ञान लुप्त हो गया था। शिव योग में वही सिद्धों का ज्ञान जो गुरु परंपरा से चला आ रहा है, वो शक्ति और साधना वही शिव योग में हम भी करवा रहे हैं। सिद्धा हीलिंग के माध्यम से हम अपने आप को सक्षम कर लेते हैं कि उस संजीवनी शक्ति को जो कि ब्रह्मांड में अनलिमिटेड इनफाइनाइट लेवल पर विद्यमान है, उसको हम टैप करके हम अपने आप को एक तो खाली हील ही नहीं करें, हम अपना वाइब्रेशन लेवल जो है वो भी हम बढ़ाना शुरू कर दें, चेतना का स्तर जो है वो भी हम बढ़ाना शुरू कर दें। एक किसी को सोरियासिस था, वृद्ध को कलकत्ता के, 30 साल से था, ठीक ही नहीं हो पा रहे थे वो, तो शिविर दिल्ली में चल रहा था। तो एक 12 साल का बच्चा जो 7वीं स्टैंडर्ड में है वो भी आया था अपने पिता के साथ, और उसने जो हीलिंग की इनिशिएशन दी, कहते रात को जैसे सूखा फूल होता है ना, जो सूख जाता है उसको छुओ तो वो झड़ जाता है, ऐसे मेरे स्किन झड़नी शुरू हो गई और सारी रात में वो सारा क्लियर हो गया। अब मेरा आप देख लीजिए, तो एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, उन्होंने देखा तो बिल्कुल जो है वो स्वस्थ थे। तो एक छोटा बच्चा जो है उसको भी जब सिद्धा हीलिंग की ये शक्ति प्राप्त हुई, उसने जो है उनको ठीक कर दिया। जिस अंदाज में शिव योग को लोकप्रियता मिल रही है और दिनों दिन बढ़ रही है इसके साधकों की फेहरिस्त, वो इस बात का सबूत है कि शिव योग आज के दौर में कितना कारगर साबित हो रहा है। तू प्यार का सागर है।
स्टार न्यूज रिपोर्ट। तू प्यार का अब तो नहीं रोते आओगे मेरे पास। शिव योग।